काफ़ी दिनों के बाद ब्लॉग आया है। असल में जेब को भूख बहुत लग रही थी तो हमने सोचा कि कलेजी खाने चलते हैं, और ब्लॉग भी काफ़ी दिनों से नहीं बना था तो हम ब्लॉग बनाने आ गए यहाँ पे। कलेजी भी खा लेंगे और ब्लॉग भी बना लेंगे। तो उस टाइम हम खड़े हैं नूरानी कलेजी चपली कबाब। अच्छा, चपली कबाब भी यहाँ पर अवेलेबल है। ये सजेस्ट किया है नुमान भाई ने, सजेस्ट क्यों किया ये बता दें। बस यहाँ पर हमारे इलाके की फेमस है, इलाके की फेमस तवा कलेजी। तवा खाने का बहुत मज़ा आता है असल में। घर में जो होती है वो डिफरेंट होती है, और तवा कलेजी टोटली डिफरेंट चीज़ है। तो आज ट्राई करते हैं यहाँ की कलेजी कैसी है, फिर आपको बता दें। अस्सलामुअलैकुम सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, मेरा नाम अल्लाह दिता है। आपने जो कलेजी का और कबाब का सेटअप है कितना अर्सा हो गया सर? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे यहाँ पे 8 साल हो गए। 8 साल से आप इसी जगह पे? अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल से इसी जगह पे है। आपको आइडिया कैसे आया कि ये बिजनेस स्टार्ट किया जाए? जी ये मैं पहले जो है ना सोच के रखा हुआ था कि नूरानी चपली कबाब एंड कलेजी हाउस के हिसाब से जो है ना इंशाल्लाह अल्लाह पाक जरूर देगा कोई काम, तो अल्लाह पाक ने जरूर दिया है। अच्छा, पास में आपकी फैमिली में किसी ने इस तरीके का काम किया है खाने पीने का, या आपने फर्स्ट टाइम? नहीं नहीं स्टेप नहीं यार, अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट टाइम का ये काम है मेरा। फर्स्ट टाइम जी जी स्टेप है। आगे आपका इस तरीके का कोई इरादा है कि इसी बिजनेस को आगे प्रोसीड किया जाए, या तो फिर आप कोई नया बिजनेस में? नहीं इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह जरूर आगे भी कोशिश करेंगे, और इसी तरह खिदमत भी करते रहेंगे और खुद भी खाते रहेंगे और दुनिया को भी खिलाते रहेंगे। काफी डेज होते हैं आपका, लकी डे कौन सा है जिस डे आपके पास बहुत रश होता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो सारे लकी डे हैं, बाकी ये है कि जुमा हफ्ता इतवार वाले दिन कुछ ज्यादा ही काम होता है। जी रेट्स के बारे में थोड़ा बता दें कि रेट्स आपके क्या क्या रेट्स हैं? जी हमारे रेट्स फी प्लेट के 50 रुपए, 70 रुपए और 100 रुपए, और चपाती हमारी है 10 रुपए की, चाहे वो कितना आटा महंगा हो या सस्ता हो हम 10 रुपए की ही भेज रहे हैं। अच्छा, मैंने देखा था चपाती आपकी उधर कर दी है। जी राइट साइड पे। हाँ जी इंशाल्लाह भी हम ट्राई करते हैं। ट्राई करने से पहले आप लोकेशन के बारे में बता दें कि कहाँ लोकेट है आप? जी ये कुरंगी नंबर रहीमाबाद 3.5 नंबर है, ठीक है, और 2.5 नंबर के करीब लगते हैं। नजदीक पेट्रोल पंप भी है और शादी हाल भी है, ठीक है ना, और बीच फुटपाथ में जो है ना मेन रोड है, बेसिकली मेन रोड आएगा जाएगा उसको नजर आ जाएगा। जी जी जी। चलें एक चीज मैं आपको बता दूँ कि पीछे फिशरमैन चौरंगी है, फिशरमैन चौरंगी से आप लेफ्ट में हॉल्स का जो एरिया है उधर आप आएंगे, आपको जिस साइड से भी आप आएंगे आपको मेन रोड पे नजर आ जाएगा। एक बार जरूर ट्राई कर लें। नमाज भाई की फरमाइश से हम यहाँ आए तो अभी ट्राई करते हैं, उसके बाद बताते हैं नमाज भाई की फरमाइश कैसी है। My mirror shows the other side of me. All these ones and zeros, nothing in between. But there's so much more to me than eyes can see. Than eyes can see. I'm not binary. जो प्लेट है 50 की है और ये कबाब जो है वो 35 का है। जेब से सबर नहीं हो रहा, जेब कह रहा है मैं बस स्टार्ट करूंगा। और मैं ये बताना चाह रहा हूँ ये जो स्ट्रीट फूड होता है बेसिकली नुमान भाई, ये स्ट्रीट पे बैठ के खाने का ही मजा है। ये रेस्टोरेंट में आपको वो मजा नहीं आएगा जो आप स्ट्रीट पे बैठ के जो आप मजा ले सकते हैं। तो अभी हम इसको ट्राई करते हैं, ट्राई करके बताते हैं क्या सेटअप है इसका।
भाई कलेजी और चपली कबाब दोनों ने ट्राई किए हैं, मुझे कलेजी अच्छी लगी है क्योंकि कलेजी का जो टेस्ट था वो बाकी कलेजी जो तवा कलेजी जो सेल कर रहे हैं उनसे मुख्तलिफ था। और चपली कबाब जो था वो मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, इससे पहले मैंने चपली कबाब ट्राई नहीं किया तो मुझे उसका टेस्ट बेहतर लगा था। सुहेब आपको क्या अच्छा लगा था? आपको तो अच्छा लगना था भाई। वन थिंग आई वॉन्ट टू टेल, सुहेब ने चार चार चपली कबाब खाए, अगर कोई खा सकता है तो आज हम चैलेंज लगा लो हमारे बंदे के साथ। तो नुमान भाई थैंक यू, आपने इतनी अच्छी जगह सजेस्ट की, काफी अच्छा टेस्ट है और प्राइस बहुत रीजनेबल थे। स्ट्रीट फूड की यही खासियत है कि स्ट्रीट फूड में आपके पास जो प्राइजेस होते हैं वो बहुत रीजनेबल प्राइजेस होते हैं। तो अब ब्लॉग का एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।